हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैकेनिक्स का फोर्थ चैप्टर केंद्रक एवं गुरुत्व केंद्र। इस चैप्टर में हम केंद्रक गुरुत्व केंद्र की परिभाषाओं के साथ साथ में हम इसका विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, केंद्रक एवं गुरुत्व केंद्र, और इसके अंदर हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं गुरुत्व केंद्र की परिभाषा। ठीक है, क्या होता है कि देखिए, वह बिंदु जिस पर किसी वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान कार्य करता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र कहलाता है। इस परिभाषा में आप लिख भी ले, वह बिंदु जिस पर वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान कार्य करता है, ये फिर ऐसे मान सकते हैं, वह बिंदु जिस पर वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। ठीक है, यह तो परिभाषा होगी गुरुत्व केंद्र की। ठीक है, इसे जी से व्यक्त किया जाता है। दूसरी परिभाषा लेंगे हम केंद्रक की। इस चैप्टर के अंदर दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, गुरुत्व केंद्र और केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? वह बिंदु जिस पर वस्तु का संपूर्ण क्षेत्रफल कार्य करता है, जिस पर वस्तु का संपूर्ण क्षेत्रफल कार्य करता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में सेंट्रोइड बोलते हैं, तो इसे सी से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये तो दोनों की परिभाषा हो गई। अब आगे हम बात करेंगे कि ये गुरुत्व केंद्र होता क्या है। देखिए, गुरुत्व केंद्र, ये तो परिभाषा हो गई, परिचय। अब हम परिचय के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, कैसी डिजाइन हो सकती है इसकी? ये बहुत सारे असंख्य कणों से मिलकर बना होता है इस तरह से। ठीक है, सबका एक निश्चित भार होता है। मान लीजिए इसका यहां पर W1 है, इसका W2 है, इसका W3 है, इसका W4 है, इस तरह से। मान लीजिए एन वाय, तो इसके WN है, ये सबके अलग अलग भार है। ठीक है, तो यहां पर इसका जो संपूर्ण भार है किसके बराबर होगा? W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस WN, मतलब सभी N कणों के योग के बराबर इसका भार होगा। ठीक है, अब यहां पर हम गुरुत्व केंद्र की स्थिति का पता करने के लिए, मान लीजिए कि हमारे पास में ये कोई एक अक्ष है। ठीक है, यहां से ऊपर जाने पर वाई अक्ष मिलता है और यहां से आगे जाने पर ये एक्स अक्ष मिलता है हमको। ठीक है, ये इसका ओरिजिन बिंदु है। तो मान लीजिए कि यहां से इसकी जो दूरी है वो X1 है, इसकी यहां से दूरी X2 है, ये जो दूरी है ये X3 है, इस तरह से इसकी X4, इसकी XN है। ठीक है, तो यहां पर हम अगर गुरुत्व केंद्र निकालना चाहेंगे, जिसको शॉर्ट में सीजी के नाम से भी डिनोट किया जाता है, तो सीजी बराबर क्या होगा? यहां पर हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले जो गुरुत्व केंद्र, जो किसी हरेक कण के लिए गुरुत्व केंद्र की पोजीशन क्या है, X1, इसको इसके भार से मल्टीप्लाई करेंगे W1 से, प्लस X2 W2 प्लस X3 W3 प्लस इस तरह से XN नंबर को हम WN से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में नीचे भाग दे देंगे हम W1 प्लस W2 प्लस W3, इस तरह से WN तक की संख्या होगा। तो इस तरह से हम इनका CG याद कर सकते हैं। तो ये तो हो गई एक सिंपल सी गुरुत्व केंद्र का परिचय। अब हम बात करेंगे गुरुत्व केंद्र कैसे याद किया जाता है और केंद्र कैसे याद किया जाता है।
देखिए गुरुत्व केंद्र ज्ञात करने की विधियां, यहां पर गुरुत्व केंद्र ज्ञात करने की सामान्यतः दो विधियां होती है। पहली है व्यावहारिक विधि, व्यावहारिक विधि प्रैक्टिकल मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। इस विधि में क्या करते हैं, एक वस्तु लेते हैं, मान लीजिए हमें कोई वस्तु है जिसका हमें गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना है, मान लीजिए वो वस्तु कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। क्या करते हैं, ये ऊपर छत है, इससे एक धागे की सहायता से इसको यहां से बांध देते हैं, बांधने के बाद में इसको सीधे लटका देते हैं। कुछ देर बाद में जब ये शांत हो जाएगी, हिलना डुलना बंद हो जाएगी, तब एक स्केच पेन की सहायता से इसकी इस लाइन पर एक सीधी रेखा खींच देते हैं, बिल्कुल धागे की सीध में, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये लाइन खींचने के बाद में इस धागे को खोलेंगे और इसको इस वस्तु को कुछ इस प्रकार से करके और बांध देंगे, ठीक है, और उसी तरीके से इसी से इसको लटका देंगे। इस तरह से लटकाने के बाद में जब कुछ देर बाद में शांत हो जाएगी, तब एक सीधी रेखा खींचेंगे बिल्कुल इस पर धागे की सीध में, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन में भी ऐसा ही करेंगे, यहां पर इस धागे को खोलेंगे, खोलने के बाद में ये वस्तु को पलटेंगे 90 डिग्री से, इस तरह से पलटेंगे। अभी तक 90 डिग्री पलटा इसको खड़ा करके, अब की बार बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगी, ठीक है। इस तरह से पलटने के बाद में उसी तरीके से रस्से से बांधेंगे धागे से, और फिर जो बिंदु इसको थोड़ी देर बाद शांत होने देंगे, और फिर धागे की सीध में इसको फिर से स्केच पेन से खींच देंगे लाइन, जहां पर ये तीनों लाइन एक दूसरे को काटती है, इंटरसेक्ट करती है, वो बिंदु इसका क्या होगा, गुरुत्व केंद्र होगा, ठीक है। ये तो व्यवहारिक विधि है, साधारण तरीके से इसको निकालने का तरीका है, लेकिन एग्जाम में ये साधारण तरीका कभी नहीं पूछते, एग्जाम पूछते हैं इसकी गणना विधि, ठीक है। तो गणना विधि के बारे में बात करेंगे हम। गणना विधि दो तरीके से गणना विधि की जाती है, ठीक है। कैसे, देखिए हमारे पास में जैसे वस्तु होती है उसके आधार पर हम दो तरीके से इसका अध्ययन करते हैं। तो गणना विधि, कैलकुलेशन मेथड, गणना विधि, ठीक है। गणना विधि में दो तरह की हमारे पास में आकृतियां होती हैं। पहली तो होती है समतल आकृतियां, समतल आकृतियों के लिए, समतल आकृतियों के लिए। समतल आकृतियां कैसी होती है, जैसे वृत्त, वर्ग, आयत, त्रिभुज, इस तरह से, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस तरह की आकृतियों का जो क्षेत्रफल ए है, ठीक है, और यहां पर गुरुत्व केंद्र ज्ञात करने के लिए हम यहां पर इसका सीजी निकालते हैं, सीजी बराबर यहां पर हम दो बिंदु निकालते हैं, दो बिंदुओं पर सीजी। देख मान लीजिए कि ये कोई हमारे पास में एक ग्राफ है, इसका केंद्र बिंदु है, यहां ऊपर की ओर चलेंगे तो ये वाई की तरफ बढ़ेंगे, और इधर की तरफ चलेंगे तो एक्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर कोई बिंदु स्थित है, कोई वस्तु स्थित है, इसके सभी जो पॉइंट है उनकी दूरी x1, x2, x3, x4, ठीक है। नीचे से देखेंगे तो इसकी y1, इसकी y2, इसकी y3, y4 और इसकी y3 है, इस तरह से ये अलग अलग, यहां से ऊपर की तरफ चलेंगे तो y आएगा और इधर की तरफ चलेंगे तो x आएगा। तो यहां से इसका गुरुत्व केंद्र ज्ञात करने के लिए, मान लीजिए इसका गुरुत्व केंद्र यहां पे है, तो इसकी यहां से जो दूरी है वो एक्स बार है, और यहां से इसकी जो दूरी है वो वाई बार है। तो यहां पर हमें एक्स बार निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 a4 x4, इस तरह से an xn बटे a1 प्लस a2 प्लस 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 लास्ट में an, सभी क्षेत्रफलों का योग कर देंगे नीचे और ऊपर a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस, इस तरह से जोड़ते जोड़ते सभी जितनी भी आकृतियां होती है सभी को जोड़ देंगे। इस तरीके से y का होता है, y बार बराबर होगा a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस प्लस प्लस, इस तरह से an yn बटे a1 प्लस a2 प्लस 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 an, इस तरह से गुरुत्व केंद्र के जो निर्देशांक है वो निकल कर आते हैं, किसके लिए, समतल आकृतियों के लिए। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर ठोस आकृतियों के लिए, ठीक है। तो आप देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ठोस आकृतियों का गुरुत्व केंद्र, ध्यान दें। मान लीजिए कोई ठोस आकृति है ना, ठोस आकृति में आयतन होता है, ध्यान रखें, और समतल आकृति होती है उसमें क्षेत्रफल होता है। तो यहां पर हम उसका गुरुत्व केंद्र ज्ञात करने के लिए हमारे पास में एक्स और वाई के निर्देशांक होंगे, तो एक्स निर्देशांक होगा v1 x1 प्लस v2 x2
प्लस वी थ्री एक्स थ्री प्लस इस तरह जितने भी आयतन होते हैं उन सभी का x के साथ में गुणा करने के बाद में n, और उनको योग करने के बाद में नीचे v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस इस तरह से vn। ये तो हो गए x निर्देशांक। इस तरह से हमें y के निर्देशांक भी निकालने होते हैं, तो ये v1 y1 प्लस v2 y2 प्लस v3 y3 प्लस vn yn बटे v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn। इस तरह से ये हमारे पास में ठोस आकृतियों के लिए गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक निकल कर आते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये जो x1 x2 x3 xn y1 y2 y3 yn ये है क्या, ये कैसे निकाले जाते हैं, इसके अलावा v1 v2 v3 इस तरीके कैसे निकाले जाते हैं, और क्षेत्रफल a1 a2 a3 कैसे निकाले जाते हैं। ये सब अलग अलग आकृति हुए अलग अलग होते हैं, इसलिए अब इनको हम चेक करते हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, इनके फॉर्मूले भी हम साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर किसको, आयत को ले लेते हैं। आयत, आयत होता कैसा है, आयत की आकृति कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, यहां पर देखो आयत में यहां से और यहां तक लंबाई होती है, ठीक है, जिसको हम विड्थ भी बोलते हैं, और ये इसकी डेप्थ होती है, फिर हाइट होती है। ठीक है, तो इसको मैं डी नाम दे देता हूं। तो क्षेत्रफल होगा बी इंटू डी, लंबाई गुणा चौड़ाई, बी इंटू डी। यहां पर अगर हम इसकी पोजिशन देखना चाहेंगे, ठीक है, तो इसकी जो टोटल ऊंचाई है उसके आधे पर होगी, इधर को भी बी वाई टू पर होगी, है ना, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये डी वाई टू पर होगी, बिल्कुल आधे आधे में होगी, मतलब बीचों बीच। यहां से ये दूरी देखेंगे तो ये डी की आधी होगी, और यहां से ये दूरी देखेंगे तो बी की आधी होगी। ये आयत हो गया। दूसरे नंबर बात करेंगे वर्ग की। वर्ग, वर्ग कैसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, ये भी ए है और यहां से ये भी ए है, तो इसका क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, है ना, और ये एक्स का मान ए बाई टू होता है और बी का वाई का मान भी ए बाई टू ही होता है, क्योंकि हर एक भुजा ए होती है इसमें। अब बात करेंगे इसमें तीसरी आकृति वृत्त की, वृत्त की बात कर लेते हैं। वृत्त, वृत्त इस तरह से होता है, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या होती है, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मान ली बीचों बीच इसके मध्य वो ले लेते हैं, इसका बिंदु ले लेते हैं, जहां ओरिजिन बिंदु केंद्र बिंदु ले लेते हैं, तो यहां पर x का और y का मान दोनों ही जीरो हो जाते हैं। चौथे नंबर पर ले लेते हैं हम अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, है ना, होता कैसा है, ये कुछ इस तरह का होता है, यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या r होती है, क्षेत्रफल क्या होगा इसका, पाई बाई टू आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर का आधा होगा, दो का भाग दिया। यहां से अगर हम x की स्थिति देखेंगे तो ये केंद्र बिंदु पर ही होती है, तो ये होगी जीरो, और अब y x पर होगी, तो y x पर कुछ इस तरह की होती है, तो इसकी यहां से दूरी निकालेंगे तो ये होती है थ्री आर बाई फोर पाई, ये इसकी स्थिति होती है, ध्यान रखें ये सूत्र याद रखें अर्धवृत्त के लिए। पांचवे नंबर पर बात करेंगे हम त्रिभुज की। ठीक है, त्रिभुज मान लीजिए कि ये त्रिभुज है एक सिंपल सा, जिसकी यहां से यहां तक ऊंचाई h है और यहां तक इसकी ये विड्थ है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक बटे दो आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अब यहां से हम x अक्ष पर जाएंगे तो इसका जो केंद्र है वो by2 होगा, और ऊपर जाएंगे तो ये होगा नीचे से 1 by 3 h, नीचे से, ठीक, 1 by 3 h होता है त्रिभुज के लिए। ठीक है, ये सभी त्रिभुजों में काम में आता है, कौन कौन से त्रिभुजों में, खासकर अगर ये समकोण त्रिभुज है तो भी उसमें यही नियम लगेगा, और अगर इस तरह का त्रिभुज है तो भी उसमें यही नियम लगेगा। देखो ये चीजें तो सेम होती है, बस अगर क्षेत्रफल की बात आती है, एक विषमबाहु त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग है, वहां पर क्षेत्रफल लोगों के सूत्र से निकाला जाता है। ठीक है, एस सूत्र होता है, एस बराबर ओ ए बराबर अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, और बाकी त्रिभुजों के
के अलग अलग सूत्रों से निकाले जाते हैं, वो आप निकाले हैं। तो इस तरह से ये तो हमारी समतल आकृतियों के लिए हो गया। अब हम बात करेंगे ठोस आकृतियों के लिए। ठोस आकृतियों के लिए सबसे पहले हम गोला लेते हैं। गोला कुछ इस प्रकार से होता है और यहाँ पर उसका क्या होता है, त्रिज्या होती है। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। अगर मान लीजिए हम इसका अक्ष है यहां पर लेते हैं, तो x का मान क्या होगा, यहां से यहां तक r होगा, और y का मान यहां से यहां तक r होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए हम अक्ष यहां पर ले लेते हैं, तब ये जो x और y का मान 0-0 हो जाएंगे इस बिंदु पर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास में गोले की बात हो गई। दूसरी बात करेंगे हम अर्धगोले की। अर्धगोला, अर्धगोला कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। यहां से यहां तक त्रिज्या होती है इसका, तो यहां पर इसका जो आयतन है वो होगा कितना, 2/3 πr³, आधा हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे इसके x के मान, तो x के मान बिल्कुल इसी तरह से 0 होगा या फिर r होगा, ये डिपेंड करता है कि हम इसको कहां से ले रहे हैं, ठीक है। और जब हम y अक्ष पर ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है, तो y अक्ष पर कुछ अलग होता है, ये 2r/3 होता है, 2r/3π होता है, ये यहां से यहां तक इस गुरुत्व केंद्र की स्थिति, ठीक है। तीसरी बात करेंगे हम, ये तो अर्धगोला हो गया, हम बात करेंगे गोले का चतुर्थ भाग, मतलब गोले का चतुर्थ भाग, चौथा भाग, चतुर्थांश, ठीक है, चौथा भाग, ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहां पर हम 4 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/3 πr³, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसके केंद्र की, तो अगर मान लीजिए यहां से मान लेते हैं हम इसका निर्देशांक, यहां से मान लेते हैं, तो इसका जो गुरुत्व केंद्र है वो बिल्कुल दोनों कंडीशन में 2r/3π के बराबर होगा, दोनों कंडीशन में 2r/3π। तो ये तो हमने गोले के बारे में संपूर्ण पढ़ लिया कि गोले के तीन तरह के गोले होते हैं, गोला, अर्धगोला और गोले का चौथा भाग, ठीक है। अब बात करेंगे हम दूसरी ठोस आकृति, जैसे बेलन है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे हम घन की। घन कैसा होता है, जिसकी पूरी पूरी छह भुजाएं एक जैसी होती है, ठीक है, इस तरह का होता है घन। इन सबको इस तरह से मिलाने पर यह बन जाएगा एक घन, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है ना, ये ऊपर वाली भुजा भी हम a मान लेते हैं, तो इसका आयतन होगा a³, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसके x का मान, x का मान क्या होगा, a/2 होगा, आधे पर होगा, इस तरह से y का मान भी a/2 होगा। ये तो हो गई बात घन की। अब बात करेंगे घनाभ की। घनाभ की यदि हम घन को बीच में से कैसे काट देते हैं तो बन जाता है घनाभ। घनाभ कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से घनाभ होता है, इसकी एक भुजा एल होती है, दूसरी भुजा बी होती है और तीसरी होती है डी, है ना, वो आप अपने अनुसार मान सकते हैं। तो इसका आयतन होता है LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH। यहां पर हम एक्स की बात करेंगे तो ये L/2 होता है, ठीक है। वाई की बात करेंगे तो यहां पर हम बी लिया है तो ये B/2 होगा, ये तो घनाभ हो गया। तीसरी बात करेंगे हम बेलन की। तीसरे नंबर पे बेलन, जिसको सिलेंडर भी बोला जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह का होता है, यहां से यहां तक इसकी होती है एल, या फिर एच मान लो, एच मान लेते हैं, और ये इसकी त्रिज्या होती है आर। तो इसका जो आयतन होता है वो होता है πr²h, ठीक है। अगर बात करेंगे हम एक्स अक्ष पर इसकी गुरुत्व केंद्र की स्थिति, तो ये तो होती है आर पर, ठीक है। अगर हम बीचों बीच मान लेते हैं तो ये 0 पर होती है, और ऊंचाई की बात करेंगे तो h/2 पर होती है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा बेलन। बेलन के बाद हमारा शंकु बचा, अभी हम इनको मिटाएंगे। बात करेंगे चौथे नंबर पे शंकु। शंकु होता कैसा है, इस तरह का होता है, यहां से यहां इसकी त्रिज्या होती है और ये इसकी ऊंचाई होती है h, ठीक है। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 πr²h, ठीक है। यहां से अगर हम बात करेंगे इसके केंद्र से होते हुए हम मूल बिंदु लेते हैं, तो x अक्ष पर इसका मान हो जाएगा 0 और इसका मान हो जाएगा बिल्कुल जैसे उसमें होता है त्रिभुज,
त्रिभुज में होता है वैसे ही, ठीक है। और त्रिभुज में कितना होता है इसका, 3xy, एक मिनट, यहां पर xy 4 होता है, ध्यान रखें इस चीज का, इसका स्पेशल ध्यान रखें, त्रिभुज से थोड़ा सा होता है उसमें xy 3 होता है, यहां पर xy 4 होता है। तो ये हो गए हमारे पास में सभी ठोस और समतल आकृतियों के गुरुत्व केंद्र, स्थिति, क्षेत्रफल, आयतन वगैरह सब कुछ। तो इनसे हमारे सारे न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएंगे। अब हम एक न्यूमेरिकल और करके देख लेते हैं ऐसे सवालों को समझने के लिए। मैं आज ही इस वीडियो में एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, अगले वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर ये जो आकृति दे रखी है, ठीक है, इसका हमें गुरुत्व केंद्र की स्थिति याद करनी है, इसमें गुरुत्व केंद्र कहाँ पर मौजूद होगा। प्रश्न ये है, दी गई लेमिना में गुरुत्व केंद्र की स्थिति याद कीजिए, ठीक है। तो ये जो आकृति है ना, इसको हमें दो भागों में तोड़ लेनी है। दो भागों में कैसे, या तो आप इसको ऐसे बांटे या फिर ऐसे बांटे, आपकी मर्जी है आप कैसे बांटते हो इसको, ठीक है। मैंने इसको दो भागों में बांट दिया और मैं एक बिंदु ऐसे ले रहा हूं जहां पर मैं इसका मूल बिंदु लेता हूं, ये वाला, ठीक है। ये मैंने इसका मूल बिंदु ले लिया, ये इसका 0-0 बिंदु है, ओरिजिन बिंदु है, ठीक है। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। यह आकृति किसी भी अक्ष के प्रति सममित नहीं है, ठीक है। इसलिए अब मैं इन दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल निकालता हूं। मान लीजिए कि मैं ये जो पहली आकृति है इसको मैं A1 नाम दे देता हूं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ध्यान रखें इसकी लंबाई है 80, ठीक है। चौड़ाई कितनी है इसकी, इसकी चौड़ाई भी 80 है, मतलब ये हो जाएगा 6600 mm स्क्वायर। दूसरी बात करेंगे हम इसकी, तो यहां से यहां तक 80 है और ये 40 है, ठीक है। तो ये A2 हो जाएगा इसका 80 × 40, तो कितना होगा 832 mm स्क्वायर। ये तो इसका क्षेत्रफल हो गया। गुरुत्व केंद्र की स्थिति क्या होगी, अगर हम x अक्ष पर जाएंगे तो इसके आधे पर होगी, मतलब यहां से यहां तक x2 का मान होगा 20, x1 का मान कितना होगा, इसका आधा कितना होगा, यहां से यहां तक कितनी है ये 80 है, तो इसका आधा होगा 40 mm, ठीक है। अब y की बात करेंगे तो यहां से यहां तक टोटल कितनी ऊंचाई है, 80 है, तो इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी वो आधी हो जाएगी, मतलब y2 का मान हो जाएगा 40 mm। y1 की बात करेंगे तो ये यहां तक होगा, ये कितना होगा, देखिए 80 है तो इसका 40 तो यहां तक होगा और बाकी 80 इसमें जुड़ जाएगा, तो टोटल 80 और 40 120 mm होगा, ठीक है। अब इनको हम न्यूमेरिकल में करते हैं, मतलब यहां पर हम ये निकाल लेंगे एक्स बार बराबर x1 a1 + x2 a2। यहां पर हमारे पास में सिर्फ दो ही चीज है, तो यहां पर हम a1 + a2, अब इनको गुणा करेंगे। x1 का मान हमारे पास में 40 है, a1 का मान कितना है हमारे पास में 6600, प्लस x2 का मान हमारे पास में 20, प्लस a2 का मान कितना है हमारे पास में 3200। नीचे दोनों क्षेत्रफल जोड़ देंगे 6600 + 3200, इसको करेंगे कैलकुलेटर से सॉल्व। इस तरीके से y बार का मान x1 की जगह हम लेंगे y1 का मान हमारे पास में 120, ठीक है, इंटू, चलो मैं सूत्र लिख देता हूं, एक बार सूत्र लिखा नहीं है मैंने, y1 a1 + y2 a2 / a1 + a2। अब इनके मान रखता हूं, y1 का मान है हमारे पास में 120 इंटू 6600 प्लस यहां पर इसका मान है 40 प्लस 40 × 3200 बटे 6600 + 3200। अब इनको कैलकुलेटर की सहायता सॉल्व करके x बार और y बार के मान निकाल लेने हैं, ठीक है। तो ये इसके उत्तर निकल कर आएंगे। चलो मैं आपके सामने कैलकुलेटर से करता हूं, ये हमारा कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, इसकी आप खुद को जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप ये खरीद लें, नहीं खरीदा है तो आप जरूर खरीद लें, और खरीद लिया है तो इसको यूज में लेना शुरू करें। अगर आपको ये यूज में लेना नहीं आता तो ये इसको काम में कैसे लिया जाता है, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है चैनल पे, आप जाकर देखेंगे तो आपको ऊपर ही मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सीख लें वहां से, लेकिन इसको काम में लेना शुरू करें, क्योंकि इसके बिना मैकेनिक्स बहुत कठिन हो जाएगी, ठीक है। तो करते हैं, देखो 40 × 6600 है ना, प्लस 20 × 3200, इसको सॉल्व करने पर ये 40 × 6600 प्लस 20 × 3200, ये आया हमारे पास में, काफी बड़ी संख्या है ना। अब इसमें हम भाग देंगे किसका, 6600 +
एक मिनट 64 00 प्लस 32 00 तो यहां पर ये उत्तर आ रहा है 33.33 mm। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा किसमें x बार, मतलब यहां से इसकी दूरी लेंगे तो 33.33 mm दूरी पर x का मान स्थित होगा। अब y का मान निकालेंगे इस तरह से, तो ये होगा 120 × 6400 प्लस 40 × 3200। ठीक है, अब इसमें भाग देंगे हम 64 00 प्लस 32 00। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा 93.33। तो इसकी ये दो आंसर हो गए, तो ये आंसर और ये आंसर। ये दो आंसर क्यों आते हैं, क्योंकि ये एक निर्देशांक है। मान लीजिए आप हम इसको चेक करना चाहें कहां पे है, तो यहां से चलेंगे हम कितनी 33.33, तो 40 यहां होता है तो मतलब 33 यहां पे होगा। इस सीट में ऊपर चलेंगे, ऊंचाई बात करना चलेंगे 93, मतलब देखा जाए तो 80 यहां पे होगा, 90 यहां पे हो जाएगा, तो ये लगभग इस बिंदु पर आएगा। ये जो बिंदु होगा ना, इसके गुरुत्व केंद्र की स्थिति होगी। ठीक है बच्चों, तो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, इसलिए आप अगला वीडियो जरूर देखें, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, धन्यवाद।